बुढ़ापा आ गया। 3-4 हजार का तो काम हो ही गया है, अब घर चलते हैं, आराम से खाना पीना बना खाएंगे। हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ, निकल गई हूँ। अरे ओ मैडम, थोड़ी बहुत बावली बावली हो रही है क्या तू? दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कूड़ा चुग रहा हूँ, पन्नी फेंक के जा रही है इधर मेरे ऊपर। सिर्फ कूड़ा ही फेंका है ना, ईंट पत्थर नहीं फेंके हैं मैंने, जिंदा ही है। अब क्या मर जाऊंगा क्या तेरे कूड़ा फेंकने से? और इतनी बड़ी जगह में तुझे यही जगह दिखाई दे रही है कूड़ा फेंकने की मेरे ऊपर? कूड़ा ही बिन रहे तू, पहले तमीज से बात कर मुझसे। तमीज है नहीं बात करने की? कोई बहुत बड़े वीआईपी नहीं है तू? तू तो बहुत पैसे वाली है ना, जानती है मुझे। कितना कमा लेता है तू ऐसे? चल जा जा, कोई बात ना। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। 20-25 हजार की नौकरी कर रही होगी और ऐंठ दिखा रही है मुझसे, जिसकी कमाई एक दिन की 8-9 हजार रुपए है। पागल बना रही है। खैर क्या भिड़ू, लड़की जात है। चलो हम चलते हैं। सुन सुन। अरे तू यहाँ कैसे? वो विनोद के पास आई थी। विनोद के पास? अबे तेरे को क्या जरूरत पड़ गई ब्याज पे पैसा लेने की? तुझे तो बताया था ना मैंने क्या कि मम्मी डायलिसिस पे हैं, तो मुझे जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि उससे मैं कर्जे पे कुछ पैसे ले लूं। अबे यार पर वो कितना ब्याज लेता है, उससे क्यों ले रही, किसी और से ले ले। अब जरूरत है तो क्या कर सकती हूँ यार। अच्छा तेरे को पैसे कितने चाहिए? कम से कम 50 तो चाहिए। 50 हजार? चल मैं करता हूँ फिर कहीं से जुगाड़, अगर मेरे से होता है तो। तू हेल्प कर देगा? हाँ कर दूंगा यार, तेरी हेल्प करने में। थैंक यू सो मच सचिन, बट तू कहाँ से हेल्प करेगा? हाँ मैं करता हूँ, अपने दोस्त वोस्त से देख लूंगा किसी से, या फिर कोई मिलेगा, या फिर अगर दोस्त नहीं देगा तो घर से देख लूंगा अगर होंगे तो। बाकी मैं तेरे को फोन कर दूंगा, चल तेरे को घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो तू जैसे भी हो मुझे बता दियो। ठीक बैठ। ये क्या पेप्सी पे मट्टी वट्टी से जमा रखी है तुमने, ढंग के लिए आया करो इसे। काम धंधा बढ़िया चल रहा है? रोशन, अबे तुझे क्या हो गया भाई, ये क्या पागलों वाला हाल बना लिया तूने? यार माना हमारा इतना लॉस हुआ था, लेकिन ये थोड़ी तू पागल हो जाए। देख हाँ, बिजनेस में जो तेरे साथ लॉस हुआ वो हुआ। हाँ अब नौकरी धंधा करता, 20-25 हजार रुपए कमाता, कोई फायदा था क्या उसमें? इसलिए मैंने अपना कबाड़े का काम खोल दिया। अब इसमें कूड़ा वूड़ा पन्नी मुन्नी चुकता हूँ रोज के, 7-8 हजार, 9 हजार, कभी कभार 10 हजार भी कमा लेता हूँ, महीने का हो जाता है 2-3 लाख रुपए। अब करना ही क्या है? मतलब तू ये कूड़ा वूड़ा बीन के इतना पैसा कमा रहा है? हाँ यार आराम से, मैं रोज के 8-9-10 हजार भी कई बार चला ही जाता है। यार तुझे पता ही है कितना लॉस हो गया था हमारा बिजनेस में, मैं तो वही 15 हजार की जॉब कर रहा हूँ। अब मैंने भी यही सोचा यार कि अगर बता, अगर नौकरी धंधा करते, 10-15 हजार की नौकरी करते तो क्या ही मिलता। अब इस काम में रोज का काम है, पन्नी वन्नी कूड़ा वूड़ा चुक के आराम से पैसा छप जाता है, तो क्या जरूरत है किसी की नौकरी करने की। अच्छा यार चल बढ़िया यार, तेरे तो हमारे तो 100 टेंशन है। क्या टेंशन हो गई? अबे यार एक दोस्त है, उसकी मम्मी डायलिसिस पे जा रखी है, तो उसके लिए 50-60 हजार रुपये का जुगाड़ करना था। देखता हूँ मैं अपने बॉस वोस से बात करता हूँ या घर पे किसी से बात करता हूँ। अरे भाई क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ तो सही, अगर परेशानी है तो मुझे बता। 40-50 हजार क्या है? मैंने तुझे बताया तो मैं 2-3 लाख रुपये महीना कमा ले रहा हूँ, तो मुझसे ले लो 50 हजार रुपये। तू दे देगा 50 हजार? हाँ यार कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे अपना दोस्त नहीं मानता क्या? तू मुझसे ले लो 50 हजार रुपये, किसी का जीवन बच जाएगा, इससे कोई बड़ी चीज है क्या? पैसा बड़ी चीज है क्या? ये बता, रिश्ते बड़ी चीज होती है। अबे यार धन्यवाद यार भाई, उसकी लड़की की इतनी मदद हो जाएगी। हाँ नंबर तो है ही तेरे पास, कॉल कर लियो तू। ठीक है भाई। तो भरा हुआ ही छोड़ जाता। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ रह गया था इतनी देर से? सर भूख लग रही थी, खाना खा रहा था। पहले खाना ही खा लो, काम धाम तो है ना। ला पूरे 50 हजार आएंगे, ठीक है ना? अच्छा मुझे थोड़े ज्यादा से लग रहे। कोई ना, काम तो आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ वो तो मैं निकाल ही लूंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था, वे शर्मा साहब नहीं है? वे तुम्हें पूछ रहे थे। अरे शर्मा साहब पूछेंगे ही ना, उनको पैसे का वो पड़ रहा होगा कि हाँ
टाइम से इनकम टैक्स भर दें तो इनकम टैक्स तो हम भर ही देते हैं, लेकिन पहले से क्यों भरवाएं, थोड़ा टाइम आने पे भर देंगे ना। हाँ तो मन ने बोल दे, वे तो काम धंधे में बिजी हैं, इसलिए मुझे भेजा उन्होंने पैसे निकालने के लिए। सुन, और बैंक वाले ने कुछ और तो नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा फोन चला गया था ना, ये पहले निकाल के रख रखे थे उन्होंने। चल बढ़िया करा। और सुन, ये पकड़ 2000 रुपए जी मालिक, और जा कुछ बच्चों कुछ खिला पिला दियो जाकर। ठीक है ठीक है मालिक। और कुछ मालिक? ना बस जा, कोई दिक्कत। नमस्ते मालिक। नमस्ते। 11 ये तो वो कबाड़ी वाले, इतने सारे पैसे इसके पास। 15-25 ओए खड़ो, इतने सारे पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? तुझे क्या मतलब है मेरे पैसे है? तेरे पैसे, वो भी इतने सारे, शक्ल देखी तूने अपनी? तुझे क्या पता मेरी कमाई कितनी है? कबाड़ी वाला है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है तेरा। एक बात बता, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के? उस दिन भी मुझसे भिड़ गई, आज भी यहाँ पे आके मेरे पैसों पे नजर मार रही है, तुझे क्या मतलब है? तो चोरी करके लाया ना ये पैसे, सच बता मुझे। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, तुझे पता भी है मेरे पास कितना पैसा है, मैं क्यों करूँगा चोरी जाके? जा कंप्लेंट करेगी तू, जा CM PM LG किसी से भी जा कंप्लेंट कर दे, मेरा खुद का पैसा है ये। बेटा तू देख मेरे से पंगा लेने का, जा कर दे, जहाँ तेरी मिनिस्ट्री में जान पहचानो। पता नहीं कहाँ से ही पीछे पड़ गई हुई पड़ी हुई है, मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के, पागल सी। पैसे भी फालतू निकाल के रख दिए। अरे रोशन भाई, आ ही रहा था यार मैं। वो भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, ये लो यार, ये तो बैंक से निकले हुए नोट है। हाँ तो भाई, अब गिनेगा भी क्या, भरोसा नहीं है क्या तुझे? नहीं यार, पूरा भरोसा है, धन्यवाद यार पैसे देने के लिए। अरे भाई क्या ही रखा यार जीवन में, एक बात बता, पैसा बड़ी चीज है क्या? पैसा तो मैं कमाता हूँ, मुझे पता है पैसा कुछ भी नहीं है, एक दिन इंसान ऊपर चला जाएगा, सब यही रह जाएगा। जितना भी इंसान भाग दौड़ में ये सोचता है इतना कमा लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पैसा सब यही रह जाएगा जिस दिन इंसान जाएगा। मेरा मानना तो ये भाई, अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को परेशानी है, किसी को पैसे जरूरत है, तो उसे पैसा दे देना चाहिए। कोई भी चीज ना पैसे से बढ़ के नहीं होती है भाई, जान से बढ़ के पैसा नहीं रहा कभी भी। सही कह रहा भाई। अच्छा एक बात बता, तेरे को ये पैसे वापसी कब तक चाहिए? अरे वापसी क्या, किसी की तबीयत में लग रहे हैं, अगर हो जाए ठीक सब हो जाए तो, अगर हो जाए पैसा दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं भाई, तू जा पहले पैसे दे, इलाज हो जान दे, पैसे की जो कोई अभी जरूरत नहीं है मुझे, पैसा भगवान की दुआ से बहुत है। और मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी चाहिए तो इलाज के लिए ले ले। नहीं नहीं मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, उसी को जरूरत है, चल ठीक है मैं चलता। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए उसका। ठीक है, किसी का भला हो जाए और क्या चाहिए जीवन। कहाँ रह गया यार, तो टाइम हो गया। अरे वेट तो नहीं कराया मैंने? करा तो दिया, बट ठीक है। अच्छा वो हो गया पैसे का जुगाड़? है हो गया। टेंशन ना ले यार, बस तू अपने मम्मी पे ध्यान दे ले, पूरे 50,000 रुपए जो तूने बोली थी। थैंक यू सो मच सचिन, तू सोच भी सकता मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इन पैसों की, थैंक यू सो मच। और इतने कम टाइम में तूने जो इतनी बड़ी हेल्प करी है ना मेरी, मैं ये तेरे एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी यार। अरे यार मैं कौन होता हूँ हेल्प करने वाला, मेरी कहाँ औकात है, मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ, उसमें भी तेरे को 50,000 दे दूंगा तो घर का खर्च भी होता है, मेरी कहाँ औकात है कि मैं 50,000 तेरे को दूँ? वो तो यार मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसने तेरी मदद करी है। तेरा दोस्त? हाँ उसने दिया। इतनी बड़ी हेल्प, ऐसा कौन सा काम करता है वो? अरे बस वो करता है कुछ काम, पहले हम पार्टनर थे एक साथ, अब वो कुछ अलग काम करता है तो मैं अलग करता हूँ, बाकी तेरे को टाइम आने पे बता दूंगा मैं क्या काम करता है वो। इतना अच्छा दोस्त है तेरा, तू मुझे मिला सकता है उससे? जिसने 50,000 रुपए दिए? हाँ चल यार मिलवा दूंगा तेरे को। मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सामने से थैंक यू बोल दूँ। अरे हाँ यार तू ये बात सच बोल, सही बोल रही है, तो उसको सामने से थैंक यू बोलेगी ना तो उसको भी अच्छा लगेगा और तेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ, है ना? ठीक है चल फिर तेरे को मैं मिलवा देता हूँ उससे। ठीक सही बोला तुमने, चला चलते हैं। सही हो गई यार, चला जाए। अरे भैया एक मिनट रुकना, ये हाँ ये तो किसके पास लिया है मुझे? जिन्होंने तेरी मदद करी है। इसने मदद करी है? हाँ। मुझे पता कितना बड़ा चोर है ये, पहले इसने बहुत सारे पैसे लिए हुए थे अपने पास और अब इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है ये, तो पक्का ये भी चोरी करके लाया होगा ना। अबे पागल हो रही है क्या तू, किसको चोर बता रही है,
जो तेरी मम्मी के इलाज के लिए पैसा चाहिए था ना, वो सब इन्होंने ही दिया है, और तू इनको ही चोर बता रही है। तुझे पता है कितना पैसा कमाते हैं ये? कुछ बोलने से पहले सोच समझ तो लिया कर। मतलब माना कि वो कबाड़े का काम करता है या कुछ भी काम करता है, तो वो चोर हो गया यार। ये उम्मीद नहीं थी दृष्टि तेरे से। थैंक यू तो बोल नहीं रही, ऊपर से चोर बता रही है। इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? पर डे की 9,000 रुपए कमाता है भाई। भाई इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, जिन्होंने मदद करी यार तू उसके सामने। अरे कोई बात नहीं यार, वो जो तूने पैसे लिए थे वो इसी के लिए लिए थे क्या? हाँ भाई, इनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, उन्हीं के लिए लिए थे। कोई बात नहीं, अब इसे ये लगा कि ये बंदा कूड़ा चुग रहा है तो इसके पास पैसा नहीं होगा, ये तो कम कमाता होगा। लेकिन अब तुम्हें पता लग गया ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई इंसान कूड़ा चुग रहा हो या पन्नी चुग रहा हो या कबाड़ा बेच रहा हो, उसकी इनकम कितनी है वो अब इस समय लोग क्या जानेंगे। बस लोगों का क्या, बस बेइज्जती करनी है। और रही बात पैसों की, तो मुझे कोई भी गम नहीं है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे। देखो अच्छी बात है कि तुम्हारी माता जी, माँ तो सबकी एक ही होती है, चाहे वो इसकी मम्मी हो, चाहे मेरी हो, चाहे तुम्हारी हो। अगर उनकी तबीयत खराब है तो हमें तो मदद करनी चाहिए, इंसान ही इंसान काम आता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी को भी ना उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचा करो कि अगला आदमी क्या होगा, कैसा होगा। किसी भी इंसान को उसके पैसे से नहीं, उसकी इंसानियत से जज किया करो। चल भाई ठीक है, और पैसे चाहिए होंगे ना तो बता दियो, ठीक है? चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है भैया। सुनो सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी माता जी का इलाज कराओ। लेकिन हाँ, कभी कभार गलती हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बस ये है कि पैसे की वजह से माँ के इलाज में कमी नहीं पड़नी चाहिए। पैसे और चाहिए और ले लो भाई। भाई राम राम। ठीक है भैया। माँ तो माँ है, उसके सामने पैसे की क्या औकात, चाहे वो माँ मेरी हो किसी की, माँ तो माँ ही होती है।